जयदीप बच्चों चलिए देखते हैं मैथ्स के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% धान पर रुपए 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। बहुत गजब का प्रश्न है। मैं भी आप चूं वह किसी वस्तु को कितने में बेच रहा है। बेचने को हम लोग सेलिंग प्राइस करते हैं अर्थात एसपी। कितने में बेच रहा है तो आप कहेंगे सर जी 6,750 रुपए में। जब उसने 6,750 रुपए में बेचा तो उसको 25% की क्या हुई, हानि हुई। इसका मतलब है 100% के प्रोडक्ट को उसने कितने में सेल कर दिया, तो आप कहेंगे सर जी 75% में उसने सेल किया। तो भैया यहाँ पर 75% की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया है, 6,750। क्योंकि मैं क्या चूं विक्रय की तुलना विक्रय से होता है, सजाति का संबंध सजाति से, विजाति का संबंध विजाति से। क्योंकि हमने आपने पढ़ा है कि भैया मैस या जीवन कहता है क्रियाएं तभी होती हैं जब इकाइयां समान होती है। 1% बराबर कितना हो गया 6,750 और बटे में 75 करें। अब इसको कितने में बेचें जिससे हमें 15% का लाभ हो। तो भैया जब 1% का दाम आ गया तो क्या 115% का दाम नहीं आएगा। 100% के प्रोडक्ट को आपको 115 में बेचना होगा तभी आपको 15% का लाभ होगा। 1% में 6,750 तो 115% में तो आपका हो जाएगा 6,750 बटे 75 और गुने में 115। अब भैया यहाँ पर देखिए 25 दिया 75, अब भैया यहाँ पर 25 दुना 50 ठीक, और 25 सत्ते 175 और यहाँ पर 0 तीन नवा 27 हो गया 90। 90 गुने आपका 115 तो आपका हो जाएगा 0 9 5 45 4 9 एकम 9 9 4 13 और यहाँ पर 9 एकम 9 9 1 10 10 जा 350 रुपया। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप जो है 10,350 रुपये में बेचते हैं तो आपको जो है 15% का लाभ प्राप्त होगा।